गुरुवार रात अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में बारी कांग्रेस की थी। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने आज पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस पार्टी के लिए ये विधानसभा सीट जीतना राजौरी गार्डन का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब में स्टार कैंपेनर थे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज चुनाव का आखिरी दिन है, साथ में अजय माकन है और जो उम्मीदवार है वो साथ में है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतती है या नहीं, क्योंकि अजय माकन के लीडरशिप में ये पहला चुनाव होगा और इसके साथ साथ ये सीट अगर जीतती है कांग्रेस तो विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में उनका खाता खुल पाएगा। इसके साथ साथ एमसीडी चुनाव, दिल्ली नगर निगम चुनाव भी साथ साथ चल रहा है और ये सीट कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो उससे एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, और अगर ये सीट जीत जाती है तो कहीं ना कहीं निगम चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।